पिछले 15 साल से दिल्ली में एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में 15 साल में सिर्फ दो चीजें करी हैं। पहला भ्रष्टाचार, दूसरा कुशासन। इस भ्रष्टाचार और कुशासन का खामियाजा दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं। इसी भ्रष्टाचार का और कुशासन का एक बहुत बड़ा प्रतीक है कालका जी में बना हुआ, या कहें कालका जी में आधा बना हुआ पूर्णिमा सेठी अस्पताल। 2005 में एमसीडी ने यह पूर्णिमा सेठी अस्पताल बनाने की शुरुआत करी। ये एक 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना था। इसका कुल खर्चा आना था 6,70,00,000। लेकिन ये पूर्णिमा सेठी अस्पताल 2005 से शुरू होकर आज हम 2022 में खड़े हैं, ये पूर्णिमा सेठी अस्पताल कभी भी पूरा नहीं हुआ। 2005 में 6,70,00,000 का ये अस्पताल बनना था। 10 साल तक इसका काम डिले होता रहा, दाम बढ़ता रहा। 2015 में इस अस्पताल में 35 करोड़ रुपए का खर्चा एमसीडी कर चुकी है। मैं ये पूछना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी से कि ये 35 करोड़ रुपया कहां गया? ये अस्पताल 6,70,00,000 का बनना था। आप 35 करोड़ से ज्यादा पैसे इस पे खर्च कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यह अस्पताल कंप्लीट नहीं हुआ। 35 करोड़ खर्च करने के बाद सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पूर्णिमा सेठी अस्पताल का फंक्शनल है, बाकी अस्पताल फंक्शनल नहीं है। आज भी जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पूर्णिमा सेठी ने बनना था, जो मल्टी स्पेशलिटी सर्विसेज पूर्णिमा सेठी अस्पताल में होनी थी, आज तक हम 2022 में खड़े हैं, आज तक वो मल्टी स्पेशलिटी सर्विसेज दिल्ली के लोगों को, कालका जी के लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाई है। ये है भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की एमसीडी की सरकार। और आप दूसरी तरफ देखिए, दिल्ली सरकार जहां पे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, हर प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधा दिल्ली सरकार ने दी है। हर गली में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाई है, जहां पे फ्री दवा है, फ्री डॉक्टर है, सारे टेस्ट फ्री होते हैं। कुछ ही दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में खास महिलाओं के लिए मोहल्ला क्लिनिक की भी शुरुआत की है कि महिलाएं अपनी समस्याओं के लिए, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए इन महिला मोहल्ला क्लिनिक्स में जा सकें। दिल्ली में कई नए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, चाहे वो द्वारका का इंदिरा गांधी हॉस्पिटल हो, चाहे वो बुराड़ी अस्पताल हो, चाहे वो अम्बेडकर नगर में हॉस्पिटल हो। कहां एक तरफ एमसीडी अभी तक मल्टी स्पेशलिटी सर्विसेज शुरू नहीं कर पाई, और दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार ने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो 700 बेड का सैंक्शन हुआ था उसको 1200 बेड का बना दिया है। बुराड़ी अस्पताल जो मात्र 200 बेड का अस्पताल होना था, आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 750 बेड का शानदार अस्पताल फर्स्ट क्लास 5-स्टार फैसिलिटीज के साथ बनाया। अंबेडकर नगर का अस्पताल जो सिर्फ 200 बेड का सैंक्शन हुआ था, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 600 बेड का 5-स्टार फैसिलिटीज के साथ किसी भी प्राइवेट अस्पताल को टक्कर देने वाला अस्पताल बना दिया। तो दिल्ली की जनता साफ देख सकती है कि जहां पर एमसीडी की बात आती है वहां पर भ्रष्टाचार की बात आती है, वहां पर पुअर गवर्नेंस की बात आती है, और जहां पर अरविंद केजरीवाल जी की बात आती है वहां पर दिल्ली के हर व्यक्ति को बेहतरीन से बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा देने की बात आती है। यही कारण है कि इस बार दिल्ली वालों ने अपना मन बना लिया है कि जब 4 दिसंबर को चुनाव आएगा, दिल्ली वाले इस बार एमसीडी में भी केजरीवाल को लाने वाले हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस तरह बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य की सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली सरकार में ठीक की हैं, उसी तरह से दिल्ली में चाहे साफ सफाई हो, दिल्ली में चाहे पार्कों की डेवलपमेंट हो, दिल्ली में चाहे एमसीडी के अस्पतालों को ठीक करना हो, एमसीडी के स्कूलों को ठीक करना हो, उन्हें पता है कि अगर एक आदमी इनको ठीक करेगा वो है अरविंद केजरीवाल। धन्यवाद।